इसराइल हमास युद्ध की वजह से हिजबुल्ला और इसराइल जंग के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों के बीच लगातार भीषण हमले हो रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल कभी भी हिजबुल्ला के ऊपर आक्रमण कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला भी लगातार उत्तरी इसराइल को हमलों से दहलाने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने IDF की ज़ारित मिलिट्री बेस पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही हिजबुल्ला ने नकौरा नौसैनिक अड्डे पर भी गोला बारूद की झड़ी लगा दी है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर हमला किया है। साथ ही कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स पर सुमाक्वा साइट पर भी हिजबुल्ला ने IDF पर सीधा हमला किया। हिजबुल्ला का यह भी कहना है कि उसने IDF के रुएसत अल आलम मिलिट्री साइट पर हैवी मशीन गन से हमला किया। वहीं कब्जे वाले शीबा फार्म्स में भी कुछ ऐसा ही नजारा था। यहाँ पर हिजबुल्ला ने जिबडाइन सैन्य चौकी पर ताबड़तोड़ गोला बारूद और रॉकेट बरसाए हैं। इसको लेकर लेबनान के मीडिया हाउस अल मयादीन ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षिणी लेबनान से इसराइल के पश्चिम अल जलील पर रॉकेट का पूरा पूरा जत्था दागा गया है। इन हमलों को लेकर खुद इजरायली मीडिया का कहना है कि गौरनॉट हागलिल और गौरेन में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने खुद 25 हवाई ऑब्जेक्ट्स को पश्चिमी अल जलील की तरफ इंस्पेक्ट किया। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर करीब 45 रॉकेट फायर किए। इस हमले से पहले IDF ने एक ड्रोन हमले में हिजबुल्ला के फील्ड कमांडर अब्बास इब्राहिम हमजा हमादा को मार गिराया था, जिसके बाद हिजबुल्ला ने यह हमला किया है। IDF ने हिजबुल्ला कमांडर अब्बास इब्राहिम को दक्षिणी लेबनान के डेयर किफा में ढेर किया और इसके बाद ही तमतमाए हिजबुल्ला ने इसराइल के गैलीली पर दोपहर 2:30 पर करीब 25 रॉकेट फायर कर दिए। इसके बाद इसी इलाके में करीब 20 रॉकेट और फायर किए गए, जिसकी वजह से आसपास के कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे थे। हालांकि IDF का कहना है कि इन हमलों में ना ही कोई हताहत हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला के रीजनल कमांडर को मारकर IDF को बड़ी कामयाबी मिली है। IDF का कहना है कि हमादा हिजबुल्ला की एक रीजनल यूनिट में ऑपरेशंस का अधिकारी था, जो कि जोया इलाके में सक्रिय था। यह इलाका दक्षिणी लेबनान के डेर किफा इलाके से काफी नजदीक है और यह इलाका इसराइल लेबनान बॉर्डर से बेहद ही नजदीक है।